नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तेहरान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। चाबहार बंदरगाह पर ईरान अफगानिस्तान के साथ होगा त्रिस्तरीय समझौता। भारत करेगा $200 मिलियन का निवेश। जयललिता छठी बार बनेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। आज लेंगी शपथ। सर्वानंद सोनोवाल का केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा। राज्यपाल ने सरकार बनाने का दिया न्योता। स्टिंग मामले में हरीश रावत से मंगलवार को पूछताछ। सीबीआई के नोटिस पर दिल्ली आने को तैयार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कांग्रेस का केंद्र पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप। मणिपुर के चंदेल में सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों का हमला। असम राइफल्स के 6 जवान शहीद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। भारत के घरेलू अंतरिक्ष यान का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण आज। फिर से इस्तेमाल हो सकेगा स्पेस शटल। बंगाल की खाड़ी में आभासी रनवे पर लौटेगा यान। और सबसे पहले प्रधानमंत्री के ईरान यात्रा से जुड़ी अहम खबरें, जिसका आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसमें चाबहार पोर्ट का काम आगे बढ़ाने समेत तेल और ऊर्जा में निवेश से जुड़े कई समझौते होने की उम्मीद है। भारत चाबहार पोर्ट में $200 मिलियन का निवेश करेगा। तेहरान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत हुआ। ईरान के वित्त और आर्थिक मामलों के मंत्री अली तैयबनिया ने उनकी अगवानी की। तेहरान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ईरान के सभ्यता संबंधों का जिक्र किया। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी मजबूत होने की उम्मीद जताई। इसके बाद वो तेहरान के एक स्थानीय गुरुद्वारे के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे भारतीय मूल के लोगों से मिले। हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है, उस संस्कारों से पले बड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों और बच्चों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा का आज अहम दिन है। वो आज ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साथ ही भारत ईरान अफगानिस्तान के बीच यातायात संपर्क के लिए 3 स्तरीय समझौते पर चर्चा भी होगी। इसके अलावा आतंकवाद और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई से भी मिलने का कार्यक्रम है। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी, तेहरान। और भारत ईरान संबंधों पर हमारे संवाददाता कुर्बान अली ने तेहरान में भारत के राजदूत सौरभ कुमार से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ईरान की यात्रा पर हैं। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और कई द्विपक्षीय समझौतों पर भी दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त तेहरान स्थित भारत के राजदूत श्री सौरभ कुमार। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के काफ़ी खबरें आ रही हैं, काफ़ी महत्व भी दिया जा रहा है। आप बता सकेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं इस दौरे की? प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे आएंगे, बहुत ही अहम मुद्दों पे बातचीत होगी। जैसे रीजनल कनेक्टिविटी एक मुद्दा है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उस मुद्दे पे बातचीत होगी, व्यापार, ट्रेड, कॉमर्स, इस पे बातचीत होगी जी। और साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण समझौते की बात की जा रही है, चाबहार प्रोजेक्ट, जिसमें भारत बड़े पैमाने पर निवेश करने वाला है और एक तरह से सेंट्रल एशिया के लिए उसका रास्ता खुल जाएगा, इस बारे में थोड़ी कुछ जानकारी देंगे? आपने बहुत सही कहा, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पे प्रधानमंत्री जी की विजिट के समय हस्ताक्षर होने की संभावना है। हम चाबहार का जो फ्री ट्रेड जोन है उसमें भारतीय कंपनियां वहां पे आवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें,
इसकी भी संभावना है, इस विषय में भी बातचीत होगी, वार्तालाप होएगा प्रधानमंत्री जी की विजिट के समय। प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रूहानी और संसद के अध्यक्ष के अलावा जो यहाँ के स्पिरिचुअल लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनाई साहब, उनसे भी मिलने वाले हैं, और भारत ईरान सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है, इस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं? आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे अपनी विजिट पर रहेंगे तो इनके जो राष्ट्रपति जी हैं ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी, उनसे वार्तालाप होगी, और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई उनके साथ भी वार्तालाप होगी, और इन बातों में सभी मुद्दे कल्चरल रिलेशनशिप का भी डिस्कशन होएगा। और प्रधानमंत्री जी की अभी विजिट के समय यहाँ पे एक हम लिटरेरी इवेंट 24-25 को यहाँ पे चलाया जाएगा हमारा, और प्रधानमंत्री जी उस लिटरेरी इवेंट का वहादत हॉल में उद्घाटन करेंगे, और भारत ईरान के ऐतिहासिक संबंध और हम उनको कैसे देखते हैं और आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय में अपने विचार लोगों के सामने रखेंगे। एम्बेसडर सौरभ कुमार साहब, राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और कुर्बान अली हमारे संवाददाता तेहरान में मौजूद हैं, हम फिलहाल उनका रुख करते हैं। कुर्बान, हम जानते हैं करीब करीब 13 साल से अटके चाबहार बंदरगाह पर आज आगे की राह तय होगी, ऊर्जा जरूरतें पूरे होने के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी यह करार कितनी अहमियत रखता है? ये बहुत अहमियत रखता है, इसलिए कि इससे न केवल ईरान और अफगानिस्तान के बीच भारत के आर्थिक रिश्ते बनेंगे और एक ट्रेड रूट खुलेगा, बल्कि इससे तमाम सेंट्रल एशिया और रूस और उत्तरी यूरोप तक भारत का व्यापारिक जो रास्ता है वो बन जाएगा। और जो बात हो रही थी पहले ईरान से पाकिस्तान होते हुए गैस पाइपलाइन के आने की, जो अभी खत्म हो गई है, उसके बजाय अब इस रास्ते के जरिए से भारत ज्यादा बेहतर ढंग से व्यापार कर सकेगा ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के तमाम देशों के साथ में। साथ ही ये कहा गया है, कल मेरी बात हो रही थी जो शिपिंग और यानी जहाजरानी और मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, तो उन्होंने कहा कि हम 18 माह में इसको मूर्त रूप दे देंगे, इसको चालू कर देंगे। तो ये जो एक कमिटमेंट है दोनों देशों की तरफ से, वो काफी मजबूती के साथ देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही एक सीपेज जोन भी यहाँ बनेगा, उसमें भी भारत की भागीदारी होगी। तो बड़े पैमाने पर भारत ईरान में निवेश करने की योजना बना रहा है, साथ ही साथ उससे ज्यादा से ज्यादा अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल, गैस और दूसरी चीजों की सप्लाई लेना चाहता है। पिछले वर्ष में जबकि आर्थिक प्रतिबंध थे ईरान के खिलाफ, तो उस वक्त भारत और ईरान के जो ये आर्थिक संबंध थे थोड़े कमजोर हुए थे, लेकिन अब उनमें काफी मजबूती आ गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईरान गए केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। राज्यसभा टीवी संवाददाता कुर्बान अली से बातचीत में उन्होंने चाबहार बंदरगाह को लेकर होने वाले समझौते को काफी अहम बताया। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी। नितिन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा हो रहा है, पिछले 15 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय ईरान का दौरा है, और इस बीच ईरान भी काफ़ी संकटों के दौर से गुजरा है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध रहे हैं, अब जो भारत ईरान संबंधों की एक नई इबारत लिखी जा रही है, किस रूप में देखते हैं आप उसे? देखिए, बहुत ऐतिहासिक है और दोनों देश के भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। सेकंड थिंग, जो पोर्ट हम बना रहे हैं 18 महीने में बनाएंगे, मुंबई से दिल्ली जितना डिस्टेंस है उससे चाबहार से कांडला डिस्टेंस कम है, तो इसलिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक हमारे लिए है। पहले हमको अगर ये उद्योग व्यापार अगर यहाँ बढ़ाना है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान से जाना पड़ता था, जो लगभग बहुत कठिन है, और इसलिए ये गेटवे जो ओपन हुआ है ये डायरेक्ट हमको यूरोपियन राष्ट्रों तक अब हम इसमें इस रूट से जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अफगानिस्तान से हमारा ट्रेड बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
इस बीच ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच भी एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उसका क्या महत्व होगा? देखिए, इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। अब कह रही है कि ये बहुत दिनों से सभी प्रकार की बातें जो थी ये केवल इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, तो अब मुझे लगता है कि एक दरवाज़ा ओपन हो गया है, गेटवे ओपन हो गया है, और इसके कारण अब अनेक विषयों पर निश्चित रूप से विकास की अनेक योजना परियोजनाओं पर अब चर्चा होगी, और मुझे लगता है दोनों देशों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। हाल के वर्षों में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी थी उसके कारण शायद दोनों देशों के रिश्तों में एक तरह की शिथिलता आई थी, कमी आई थी, उसको किस तरह से आप बढ़ावा देंगे? देखिए, हमारी इतिहास, संस्कृति, विशेष रूप से संस्कृत और पर्शियन का रिश्ता, इन सब बातों को ध्यान में लेकर निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते जो थे उसके कारण दोनों देशों के बीच में एक नैसर्गिक प्रेम है, और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार एक नए इतिहास की शुरुआत हो रही है, ये रिश्ता और मजबूत बनेगा। और अब कुछ और अहम खबरें। जयललिता आज छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनेंगी। मद्रास यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में राज्यपाल की रसैया उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 1984 के बाद ये पहला मौका होगा जब तमिलनाडु में किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनेगी। इससे पहले जयललिता ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात कर औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया। जयललिता ने 29 विधायकों की सूची सौंपी है जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। शुक्रवार को विधायकों की बैठक में जयललिता को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। जयललिता के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। AIADMK ने 134 सीटें जीती हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने सोनोवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल PB आचार्य ने रविवार को BJP, AGP और BPF को राज्य में अगली गठबंधन सरकार बनाने का न्योता दिया। इससे पहले इन तीनों सहयोगी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य हस्तियों के बीच होगा। असम में BJP की अगुवाई में पहली बार सरकार बनेगी। सोनोवाल को रविवार को नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। अब तक सर्बानंद केंद्र में युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। अब यह जिम्मेदारी PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को दे दी गई। केरल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा के खिलाफ दिल्ली में रविवार को CPM मुख्यालय पर BJP ने प्रदर्शन किया। BJP का आरोप है कि CPM कार्यकर्ता राज्य में हिंसा के जरिए अपने विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। BJP प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं CPM ने BJP पर चुनावी हार की हताशा में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में CPM मुख्यालय पर BJP के हजारों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। BJP का आरोप है कि केरल में जीत के बाद CPM कार्यकर्ता BJP और संघ के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं और इसलिए उनको चेतावनी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की बर्बरता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के साथ इस तरह की बर्बरता को बंद करें। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा के तरीके से लड़े। BJP के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर हिंसा से जुड़ी घटनाओं का ब्यौरा दिया और राष्ट्रपति से उचित कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ CPM के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार की गतिविधियां कर रही है उसका तीव्र शब्दों में धिक्कार करती है, निषेध करती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली सभी पार्टियां, सभी नेता निश्चित रूप में इस बातों का विरोध करेंगे। दूसरी तरफ CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि BJP हार से हताश है और हिंसा को बढ़ावा देकर जनादेश के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। BJP-RSS अगर हिंसा के आधार पर जो जनादेश है केरल के अंदर उसको नहीं मानने की कोशिश अगर कर रही है, जनता उसका जवाब देगी। और हमारे यूनिटों को हमने ये स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया हुआ है केरल में कि हम जनतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे। केरल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद
राजनीतिक हिंसा में त्रिशूर जिले में एक बीजेपी कार्यकर्ता और कन्नूर जिले में एक सीपीएम कार्यकर्ता की मौत हुई। इस घटना को लेकर राज्य में कई जगहों पर सीपीएम और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को पुदुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद किरण बेदी ने कहा कि वो राज्य के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार की योजनाओं को राज्य के अंतिम नागरिक तक पहुंचाएंगे। किरण बेदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार के बाद से सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी। किरण बेदी की अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी सक्रिय भूमिका रही थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई। किरण बेदी ने करीब 30 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में काम किया। पुदुचेरी में हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन ने 30 में से 17 सीटें जीती हैं। क्योंकि मैं उस एरिया के विकास के लिए जा रही हूं ताकि युवाओं को वो मिले जो वो आज अपने अपनी लीडरशिप से मांग रहे हैं। आज गवर्नमेंट की लीडरशिप डेवलपमेंट है, हमको हर एंगल से डेवलपमेंट और ऐसी डेवलपमेंट जो पहुंचे उनको और लास्ट माइल तक जाए, जो लास्ट हमारा लास्ट पब्लिक सर्वेंट है, जो ग्रास रूट पब्लिक सर्वेंट है, मेरी प्राथमिकता वो होगी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। अंदमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहां। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको सात द्वीपों के सफर पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब दो गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है चार चांद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर मौसम और हवा ने साथ दिया तो भारत आज अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच देगा। भारत ने आज पहला स्वदेशी रीयूजेबल स्पेस शटल लॉन्च कर दिया है। एक खास प्रक्षेपण यान RLV आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसने उड़ान भर ली है। अब से कुछ घंटों में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये खास इसलिए है क्योंकि एक तो ये स्वदेशी है और दूसरा ये फिर से इस्तेमाल किया जा सकने वाला स्पेस शटल है। इस मिशन में 600 इंजीनियर बीते 5 से काम कर रहे हैं। दरअसल दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले लॉन्च व्हीकल का मकसद अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के खर्च को कम करना है। अभी तक केवल अमेरिका और रूस के ही स्पेस शटल कामयाब रहे हैं। RLV प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का प्रमुख लक्ष्य पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह पहुंचाना और फिर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करना है। 6.5 लंबे विमान जैसे दिखने वाले इस यान का वजन 1.75 टन है और इसे एक विशेष रॉकेट वर्धक से वायुमंडल में पहुंचाया जाएगा। 9 लंबे रॉकेट का वजन 11 टन है। इसके अंतिम संस्करण के निर्माण में 10 से 15 साल लगने की संभावना है। भारत स्पेस एजेंसी इसरो पहली बार पंखों वाले उड़ान यान का प्रक्षेपण कर रहा है। सरकार ने RLVTD परियोजना में 95 करोड़ का निवेश किया है। इसे लॉन्च करने की प्रक्रिया भी बड़ी ही दिलचस्प है। इसके हूबहू स्केल मॉडल को लेकर एक विशाल रॉकेट उड़ान भरेगा। बूस्टर रॉकेट RLV यानी स्पेस शटल को आवाज से 5 रफ्तार देगा। फिर बूस्टर रॉकेट इससे अलग हो जाएगा। स्पेस शटल धरती से करीब 70 की ऊंचाई को चूमेगा। नीचे का रुख करने से पहले किसी प्लेन की तरह हवा में प्रवास करेगा। वापसी के दौरान घर्षण की गर्मी से बचने के लिए इसमें बेहद खास तापरोधी टाइल्स लगाई गई हैं।
अपने डेल्टा डेने की मदद से ये बंगाल की खाड़ी में पहले से तय रनवे पर किसी प्लेन की तरह उतर आएगा। एक्चुअली वी आर इन द वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ बिल्डिंग ए मैकेनिज्म वेयर वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सेस टू स्पेस। दीज आर वेरी प्रिलिमिनरी स्टेप्स। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर टेकिंग ए 1:5 स्केल डाउन मॉडल ऑफ ए विंग बॉडी। इट विल बी टेकन अप टू अ हाइट ऑफ 70 किलोमीटर्स एंड इट विल बी ब्रॉट बैक। और एक अहम खबर मणिपुर से है, जहां के चंदेल जिले में एक उग्रवादी हमला हुआ है, जिसमें 29 असम राइफल का एक जूनियर कमांडेंट ऑफिसर और 5 जवान शहीद हुए हैं। यह हमला भारत म्यांमार सीमा के पास जाउपी इलाके में रविवार दोपहर तकरीबन 1 बजे हुआ। जवानों का एक काफिला भूस्खलन की घटना का जायजा लेकर वापस कैंप लौट रहा था। उसी वक्त घने जंगलों में घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। हालांकि जवानों की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन घने जंगल और खराब मौसम का फायदा उठाकर सभी उग्रवादी भाग निकले। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बल बड़ी तादाद में पूरे इलाके की कॉम्बिंग कर रहे हैं। आशंका है कि यह हमला 2 या उससे ज्यादा आतंकी गुटों ने मिलकर अंजाम दिया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत पर संवेदना जताई है, साथ ही इस हमले की निंदा करते हुए उन्होंने असम राइफल्स के महानिदेशक से फोन पर बात भी की। गृहमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि मंत्रालय इस मामले की गंभीरता से निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी भारत म्यांमार सीमा के पास उग्रवादी हमले में सेना के 18 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाते हुए म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर उग्रवादियों का खात्मा किया गया था। सेना की इस कार्रवाई में म्यांमार सरकार ने भी पूरा समर्थन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने सूखे और मॉनसून में होने वाली देरी पर चिंता जताई। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार देश में सूखे और जल संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने बढ़ती गर्मी और मॉनसून के हफ्ते भर देरी से आने पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने गंभीर सूखे को लेकर 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग हुई बैठकों का भी जिक्र किया, साथ ही सूखे से निपटने के लिए कुछ राज्यों के सफल प्रयासों को सभी राज्यों में लागू करने पर जोर दिया। मैंने तो मेरे नीति आयोग को कहा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको सभी राज्यों में कैसे ले आया जाए, उस पर भी कोई काम होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आगे नीति आयोग के द्वारा राज्यों के ये जो विशेष सफल प्रयास है उसको हम और राज्यों में भी पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड और हिमाचल में लगी आग का जिक्र करते हुए लोगों से जंगल बचाने की अपील की, साथ ही जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया से भी पानी बचाने के अभियान का हिस्सा बनने की गुजारिश की। आने वाले 4 महीने बूंद बूंद पानी के लिए जल बचाओ अभियान के रूप में परिवर्तित करना है, और ये सिर्फ सरकारों का नहीं, राजनेताओं का नहीं, ये जन सामान्य का काम है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया पानी बचाने की दिशा में लोगों का मार्गदर्शन करे, अभियान चलाए, और पानी के संकट से हमेशा की मुक्ति के लिए मीडिया भी भागीदार बने। प्रधानमंत्री ने पारदर्शी भारत के निर्माण के लिए कैशलेस समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। इसके अलावा परीक्षा में सफल छात्रों को शुभकामनाएं देने के साथ ही अभिभावकों से बच्चों के नतीजों पर संतोष करने और उनको प्रोत्साहित करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अब 1922 पर मिस्ड कॉल कर अपनी भाषा में मन की बात सुना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की, देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है, लोग गर्मी से बेहाल हैं। राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रविवार को हरियाणा के हिसार और राजस्थान के चुरू देश के सबसे गर्म इलाके रहे। इन दोनों शहरों में तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के ही श्रीगंगानगर में कल तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस था। उत्तर प्रदेश की झांसी में भी कल तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 दिन में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और तापमान थोड़ा नीचे आ सकता है। रुआनु तूफान ने बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी भारत में भारी तबाही मचाई है। बांग्लादेश में तूफान में मरने वालों की तादाद 24 हो गई है, जबकि श्रीलंका में भी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 से ज्यादा हो गई है। यहां अभी भी 118 लोग लापता हैं।
रुआनु तूफान के असर के चलते उत्तर पूर्वी भारत में कई जगह बारिश हुई। त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम में बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। तूफान से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। उड़ीसा में कई जगह तेज बारिश हुई, हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रविवार को बारिश से थोड़ी राहत मिली। उधर बांग्लादेश में रुआनु भारी तबाही मचा रहा है। यहां कम से कम 24 लोगों की जान चली गई और 100 से भी ज्यादा घायल हैं। 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है, जबकि लाखों बेघर है। श्रीलंका में भी बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। यहां मरने वालों की तादाद बढ़कर 84 हो गई है, जबकि अभी भी 118 लोग लापता हैं। श्रीलंका में राहत और बचाव का काम जारी है। यहां करीब 2 लाख लोग बेघर हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से श्रीलंका में मदद भेजने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस। तेहरान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। चाबहार बंदरगाह पर ईरान, अफगानिस्तान के साथ होगा त्रिस्तरीय समझौता। भारत करेगा $200 मिलियन का निवेश। जयललिता छठी बार बनेंगी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, आज लेंगी शपथ। सर्बानंद सोनोवाल का केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा, राज्यपाल ने सरकार बनाने का दिया न्योता। स्टिंग मामले में हरीश रावत से मंगलवार को पूछताछ। सीबीआई के नोटिस पर दिल्ली आने को तैयार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, कांग्रेस का केंद्र पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप। मणिपुर के चंदेल में सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों का हमला, असम राइफल्स के 6 जवान शहीद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश। भारत के घरेलू अंतरिक्षयान आरएलवी का श्रीहरिकोटा से हुआ प्रक्षेपण, फिर से इस्तेमाल हो सकेगा स्पेस शटल। बंगाल की खाड़ी में आभासी रनवे पर लौटेगा यान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।